बागवानी में सबसे ज्यादा समस्या आती है मेड बनाने की। तो जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर कैसे मिट्टी चढ़ाई जाए, ये सबसे बड़ा टास्क रहता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टूल इस्तेमाल करके जो आप है अपने प्लांट्स में जो मेड बनाने का काम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का निशान इसको दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो होंडा का 9 HP का पावर वीटर है, इसके साथ में रोटावेटर्स वगैरह की पहले की जितनी भी अटैचमेंट हम आपको सारी दिखा चुके हैं, आज हमने जो अटैचमेंट परचेज की है वो है ये रोटरी प्लाउ। तो रोटरी प्लाउ के अंदर ये रोटेशन में PTO शाफ्ट के साथ में जुड़ता है, टायर अलग काम करेंगे। ये सिर्फ उन किसानों के लिए है जिनके साथ मतलब बैक रोटरी मतलब साथ में PTO का ऑप्शन है टायर्स के साथ में। जिनका सेंट्रल रोटरी है और PTO का ऑप्शन नहीं है उनके लिए अटैचमेंट काम नहीं करेगी। तो बैक रोटरी वालों के लिए सिंपल अटैचमेंट ये यहाँ से जुड़ जाती है, रोटावेटर हटके आपके जुड़ने के बाद में जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये रोटरी में मिट्टी फेंकता है। अगर हमें इधर मिट्टी फेंकनी है तो हमें इसकी सेटिंग ऐसे करनी है, अगर उधर मिट्टी फेंकनी है तो हम इसके जो यहाँ पे नट बोल्ट्स हैं इन नट बोल्ट्स को खोल के और इसकी रोटेशन घुमा सकते हैं अगर हमें इधर मिट्टी फेंकनी है तो। तो अगर हमें जैसे इसको अभी हमने वन साइडेड पे सेट किया हुआ है तो ये सारा इधर मिट्टी फेंकेगा, तो हम एक बार लाइन के इधर से लेके जाएंगे ताकि ये इधर मिट्टी फेंक दे, फिर घुमा के दूसरी साइड से लेके आएंगे। ये नाली बनाने का काम भी करेगा जिससे आपके पानी का फ्लो सही रहे और जो है वो बेड बनाने का काम भी अच्छे से करेगा। तो दोस्तों चलिए इसको ट्रायल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रेस को यहाँ से प्रेस कर देते हैं, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं ये क्लच है, क्लच का लॉक लगा देते हैं, गियर न्यूट्रल में कर दिया है, PTO का लीवर हटा दिया है। अब हमें सिंपली ये रिकॉइल खींचनी है, ये यहाँ पे रिकॉइल दी हुई है, इसको बेड है वो कम से कम होना चाहिए। तो हम इसको लेंगे यहाँ पर, ये डेढ़ फीट की दूरी है। तो अब हम इसकी जो है PTO का गियर लगा देंगे, तो स्पीड है उसको पूरा बढ़ा देंगे और फिर हम उसको तो जैसा कि आपने देखा ये पहले कैसा था, अभी हमने रोटरी प्लाउ को इस साइड से हमने उसको निकाला है। तो आप अगर डेप्थ देखेंगे इसकी लगभग ये देखिए आप, ये इतनी गहराई तक काम करता है, लगभग एक बिलांत गहराई तक की जो मिट्टी पाड़ के ये साइड में फेंक देता है। ये रोटरी में काम करता है, PTO के ऊपर चलता है तो जोर नहीं आता है, नहीं तो टिलर स्लिप करता है अगर ये रोटरी प्लाउ ना हो। सिंपल प्लाउ जो है वो स्लिप करेगा, इतनी डीप कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके ऊपर जो है वो रोटरी प्लाउ बहुत कामयाब है। अभी हमने इसको देखो, इसको दोनों साइड से हमने कर दिया। ये पहले ऐसा था ज़मीन के बिल्कुल फ्लैट, ये देखिए ये ज़मीन के बिल्कुल फ्लैट है, ये पहले ऐसा था और अभी इसको देखिए, हमने एक बार इसको इधर से लिया है और एक बार इसको इधर से लिया है और ये बेड अच्छा खासा बन गया, ज़मीन से लगभग 12 इंच ऊपर तक का बेड बन गया है। और इसको बनाने में मैक्सिमम एक लाइन में आने जाने में 5 मिनट का काम है। एक एकड़ के अंदर अगर 20 लाइन है तो मुश्किल से 2 घंटे में आप पूरे एकड़ की जो ऐसे बेड है ये बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं मशीनरी के, अगर आपके पास आधुनिक मशीनरी, इसको अगर सेम काम को कसी से करोगे तो 3 से 4 आदमियों को कम से कम भी 2 दिन लगेंगे जो
जो कि बहुत कॉस्टली है। 2 घंटे में 2 लीटर तेल मैक्सिमम लेगा अगर हम पेट्रोल की बात करें तो, और 2 लीटर तेल में आपका पूरे खेत का काम है वो हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मशीन की प्राइसिंग वगैरह की, तो पावर टिलर तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा था, जो ये अटैचमेंट है ये हमें लगभग 26,500 रुपये के करीबन की अटैचमेंट पड़ी है, और इसका काम अगर देखें तो हम बिल्कुल से काम से इसके संतुष्टि है। अटैचमेंट का जो नाम है वो रोटरी प्लाऊ है। रिजल्ट आप देख ही चुके हैं, ये बिफोर देख सकते हैं आप, ये पहले का, और ये जो है ये बाद का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।